यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हर कैप्टन बुड्ढा नहीं होता, कुछ जवान भी होते हैं। अरे चीफ ऑफिसर, ट्रेन क्यों नहीं चला रहे? बुड्ढा चिल्ला रहा है, तुम लोग ट्रेन क्यों चला रहे हो? बज रहे रात के 10:30 और जहाज पे डिनर टाइम होता है 6 to 7। डिनर के बाद कुछ भी खाना मेरे लिए होता है वॉयलेशन, लेकिन आज संडे था, डिनर में था पिज्जा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुछ खाया नहीं, कर रहे वॉयलेशन। जहाज पे टोनी कक्कर के भी गाने आपको अच्छे लगते हैं, कभी कभी बनाया मैंने यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ओट्स और यहाँ पे थोड़े इसके अंदर ये चीजें हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके रात को खाता हूँ मैं। फालतू चीजें खाने से पेट भी नहीं भरता, अनहेल्दी चीजें भी आप खा लेते हो, उससे अच्छा कुछ ढंग का खा लो। मैं ये नहीं बोलता कि ये बहुत हेल्दी है, ये भी प्रोसेस्ड फूड ही है, अगर आप जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें। भाई डिनर हो चुका है, बज रहे 7:45 और कैरेट ने मुझे दिया है एक रॉनी त्रॉय का बहुत ही अच्छा सीरीज हॉस्टेज, तो मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी नींद हुई, रात को थोड़ा सा लेट सोया मैं स्कोर देख रहा था इंडिया इंग्लैंड मैच का। रात को उठ के वापस लॉग इन करके स्कोर देखा, इंडिया ऑल आउट हो गई और हार चुकी है, बहुत दुख हुआ। हाँ, अब थोड़ी आंखें खुल रही है, ढंग से देखें बाहर का नजारा, तो वेदर है बहुत ही अच्छा, हवा हवा कुछ भी नहीं है, काम सीज एकदम, थोड़ा सा स्वेल है, अदरवाइज सी इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर। तो आज कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है शिप में, क्योंकि आज मेरे ऑफिसर्स बड़ा साहब सब लोग मान चुके, एक छोटा सा फुटेज हम बनाएंगे बिहाइंड द सीन्स इस व्लॉग में इंक्लूड करने की कोशिश। तो हमारा प्लानिंग ऐसा है कि मैं चीफ ऑफिसर को बोलूंगा कि क्रेन क्यों नहीं चल रहा है, और वो चिल्लाएगा कि अरे अरे क्रेन चलाओ, और इस गाने में इस शूट के जरिए हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि क्रेन को जब ऑपरेट करते हैं तो आर ई आव इसके सिग्नल्स कैसे होते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि हम ओपन सी में हैं और हम लोग ये चीजें शाम को 5 बजे के बाद कर रहे हैं। ये भी बता दूं मैं इस वीडियो में कि प्रेजेंट कार्गो हमारा NX1 नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है। कैसा करेगा घूम, ऐसा करेगा बिल्कुल घूम रहा हूँ ना, घूम आप कैसे करेगा, मेरे से कुछ भी काम करवा लो, मगर जहाँ बात आती है कपड़ों को प्रेस करने की तो मैं हूँ लेजी आदमी नंबर 1। ये शर्ट मेरी थोड़ी गंदी हो गई, तो इसको प्रेस करने की बजाय न्यू शर्ट निकाल रहा हूँ। अरे चीफ ऑफिसर, क्रेन चलाओ ना, क्या बोलना था, क्रेन चलाओ ना, या ये बोलना है कि क्रेन क्यों नहीं चला? बताता हूँ, बिहाइंड द सीन। चीफ ऑफिसर के शर्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो अभी शर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। बाकी देखो सब लोग कितने स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे। लुक एट द कैरेट विद द पगड़ी, ही लुक्स वेरी हैंडसम। थर्ड ऑफिसर इज रेडी, सेकंड ऑफिसर इज डूइंग सम वर्क, बड़ा साहब इज हियर, एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर। एक्शन! अरे बुड्ढा चिल्ला रहा है, तुम लोग क्रेन क्यों चला रहे हो? हाँ, तो अभी बोला सही, लेकिन एनर्जी बहुत कम है। okay. ऐसा लग रहा है कि नींद आ रहा है, थोड़ा एनर्जी, ठीक है? Like in the movies. हाँ, तो अभी तुम्हारा हाथ सही है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है? जैसे कि देखो आप खुश हो गए कि ट्रेन चला रहा है पब्लिक, ऐसे करके ना। Like in the movies. पब्लिक दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्या आविस, बूम डाउन बूम अप, चारों एक साथ एक जगह पे परफेक्ट आना चाहिए, और हमको ये चार डिफरेंट लोकेशन पे करना है। रेड लाइट ऑन है, ठीक है, गुड। ऑन ही है, पहले लेफ्ट पे आ गए ना, पहले लेफ्ट। ओके, रेडी, 1 2 3 एक्शन। गो प्रो स्टॉप कैप्चर, एंटी क्लॉकवाइज बोलिएगा, 1 2 3 बोलिएगा, बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। मैं हमने दोनों हाथ से नहीं किया था, डाउन में एक ही हाथ से, हां एक ही हाथ से किया, 1 2 कौन सा लेफ्ट किया था? लेफ्ट। अपनी पोजीशन से मत चलो, पहले हम लोग को अप करना। ओके, तो एक सीन हम लोगों ने मिडशिप स्टोर के ऊपर शूट कर लिया है। अब जैसे ही ऊपर आओगे बड़ा साहब के केस में, यहाँ एडजस्टमेंट पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस शॉट होगा। ओके स्टार्ट। इंजन रूम में बहुत शोर है और कंफ्यूजन है, हमें क्रेन भी चाहिए। इसको
कहते हैं होज हैंडलिंग क्रेन। ये लगी हुई है शिप के मिडशिप में और इसका मेन काम होता है होज को उठाना, वो होज जो हम SBM वगैरह पे कार्गो के लिए यूज करते हैं, और अदरवाइज हम इसको नॉर्मल भी कोई भी सामान उठाने के लिए यूज करते हैं। ये लैडर चढ़ेंगे तो आप इसके ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रेन का बूम और उसके नीचे पड़ा हुआ ये हाइड्रोलिक रैंप जिससे कि ये बूम अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। इसमें लगी हुई है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक मोटर्स। ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 लीवर, एक बूम को अप डाउन करने के लिए, एक हुक को अप डाउन करने के लिए और एक क्रेन को राइट लेफ्ट मूव करने के लिए। क्रेन के ऊपर देखेंगे तो एक वायर का एंड फिक्स है, दूसरा रनर है और उसी से हुक अपना ऊपर नीचे होता है। जब ये क्रेन ऑपरेशन में हो इस हुक के नीचे कभी नहीं आना चाहिए। हाँ तो बड़ा सा, आपने पहली बार ये शूटिंग करी क्या, इसके पहले और भी कुछ किया था? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम था। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अभी तो एडिटिंग करेंगे, प्रोडक्ट तब पता चलेगा कैसा है। चीफ ऑफ सर कैसा था? बहुत अच्छा लगा सर, मजा आया। वेरी गुड। आपको सर अमेजिंग एक्सपीरियंस, सो नाइस, बहुत अच्छा, फन सर। हाँ कैप्टन क्या गाइस, कैडेट तो बोल ही नहीं सकता, वाट लग जाएगी उसकी। चलो दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अरे चीफ ऑफिसर, ट्रेन क्यों नहीं चला रहे? बुड्ढा चिल्ला रहा है, तुम लोग फेल क्यों चला रहे हो?